नाउ नेक्स्ट वन इज, देखो कौन सा टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। एक तो आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे सॉलिड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वो कंप्लीट हो गया। एंड देन आफ्टर 1.10.1 कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वी कैन से दैट मेटल, और उसके बाद आएगा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला बता दिया मैंने, मेटल में वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये सब है ना। तो नाउ वी विल डिस्कस हियर सेमीकंडक्टर। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर तो आपके पीरियोडिक टेबल में पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन जर्मेनियम की खास करके बात करें तो। क्लियर? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन मे जंप टू कंडक्शन बैंड एंड सो सम कंडक्टिविटी। क्लियर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हियर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीजेस। क्लियर? सिंस मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड व्हेनेवर वी आर हीटिंग, द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम, वी कैन से दैट VB टू CB। तो सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एंड आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दिस इज नॉर्मली नोन एज इंट्रिंसिक। तो एक्चुअली दो टाइप का वैल्यू होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है विच डिपेंड्स अपॉन इंटरनल पैरामीटर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है विच डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल पैरामीटर। क्लियर? तो नाउ हियर हियर वी कैन से दैट कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज टू लो टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज। देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाई एडिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी। एंड एडिशन ऑफ सुटेबल टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज नोन एज डॉपिंग। दिस इज नथिंग बट इट इज नोन एज डॉपिंग। तो डॉपिंग कैन बी डन विथ एन इम्प्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन, आइदर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, आइदर इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशियंट एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो सच इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इन देम। तो वेन एवर वी आर एडिंग आइदर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मटेरियल, हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी आइदर मोर और वी कैन से दैट लेस। तो देखो वो इसको आपको ब्रीफ अप करके बताऊं, तो देखो अभी मैंने पहले थियरी में क्या बोला था, VB CB। VB मतलब होता है वैलेंस बैंड, CB मतलब होता है कंडक्शन बैंड। क्लियर हुआ? तो नाउ देख सॉलिड है, तो सॉलिड की यदि मैं बात करूं तो सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, देखो जैसे सॉलिड है, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो सॉलिड इज फर्दर डिवाइड इन टू थ्री पार्ट्स। एक आता है कंडक्टर, वन इज कंडक्टर, सेकंड वन इज इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे देख अभी जैसे मैं लिथियम बोलूं, एग्जांपल लिथियम का ही लूं, जेड इज इक्वल टू थ्री, तो वन एच टू, टू एच वन, टू पी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस वन इज नॉन एज VB एंड दिस वन इज नॉर्मली नॉन एज CB। तो VB और CB के बीच का जो गैप होता है इट इज नॉर्मली नॉन एज EG। EG मतलब होता है एनर्जी गैप। तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी गैप योर मटेरियल में भी आइदर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो इन सी इन केस ऑफ कंडक्टर EG विल बी मिनिमम, हियर EG विल बी मैक्सिमम एंड हियर EG विल बी मीडियम, है ना। तो नाउ अब क्या आएगा,
So insulator material can be converted into conductor. Here insulator material can be converted into conductor. How? So with the help of some mixing impurity. So this mixing impurity is nothing but process mixing of impurity in case of insulator is nothing but it is normally known as doping. Process is known as doping, and whatever material we are adding here, it is nothing but it is normally known as dopant. एक आता है डॉपिंग और एक आता है डॉपेंट. क्लियर? तो चलो इसमें होता क्या है. सी फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने लिया सिलिकॉन एंड देन आफ्टर जर्मेनियम और यहाँ क्या आ जाएगा हियर एल्यूमिनियम गैलियम एंड देन आफ्टर इधर क्या आ जाता है हियर वी कैन से दैट फॉस्फोरस और ये आर्सेनियम. तो सिलिकॉन जर्मेनियम का वैलेंसी कितना है प्लस फोर माइनस फोर और इधर पे आपका नॉर्मली क्या आ जाता है प्लस थ्री और यहाँ पे आपका नॉर्मली क्या आएगा हियर वी कैन से दैट सी फॉस्फोरस में माइनस थ्री और प्लस फाइव विल बी देयर. क्लियर? तो चलो अब आपको क्या करना है व्हाट इज डॉपिंग. तो ध्यान से सुनना व्हेनेवर वी आर मिक्सिंग ग्रुप 13 व्हेनेवर सी दिस इज ग्रुप 13 एंड दिस वन इज ग्रुप 14 एंड दिस वन इज ग्रुप 15. तो व्हेनेवर वी आर मिक्सिंग ग्रुप 13 रिलेटेड एलिमेंट इन ग्रुप 14 हियर प्लस 4 प्लस 3 तो 3 प्रोटॉन ऑफ ग्रुप 14 विल बी न्यूट्रलाइज्ड 3 प्रोटॉन ऑफ ग्रुप 13 व्हेनेवर वी आर मिक्सिंग ग्रुप 13 इनटू ग्रुप 14 तो 3 प्रोटॉन ऑफ ग्रुप 14 विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 3 प्रोटॉन ऑफ ग्रुप 13 एंड अल्टीमेटली हियर मींस 1 प्रोटॉन विल बी एक्स्ट्रा. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हियर मींस p-type diode. So this is nothing but it is only known as p-type diode. If we are mixing group 13 into group 14, then 3 proton of group 14 will be neutralized by 3 proton of group 13. So this method is nothing but it is normally known as here we can say that p-type diode. Clear? Ab ulta, if we are mixing group 15, if you are mixing group 15 into group 14, तो देखो आप है ना group 17 की तरफ जाते हैं जैसे हेलोजन वगैरह, तो this is electronegative in nature, मतलब electronegativity will be more. तो whenever we are mixing, see whenever we are going close to fluoride, here electronegativity will be more. तो चलो, if we are mixing group 15 related element in group 14, then here means 4 proton of group 14 will neutralize 4 electron of group 15. Here means 1 negative charge will be extra. And in this way, here N-type diode will form. In this way, here we can say that N-type diode will form. Clear hua ki nahi? Yahan pe kya aayega? First of all, P-type. And second one, we can say that N-type diode. So this one is P-type. And this one is again, we can say that N-type diode will form. P मतलब positive charge और N का मतलब क्या आता है? Negative charge. Clear? तो now इसी को क्या बोलेंगे? This is C. Negative वाले को बोलते हैं electron rich और positive वाले को बोलते हैं electron deficient. And with the help of this, we are using here means diode and this diode we are means generally using for development of better quality. In case of electrical equipment, तो चलो अब इसको read करते हैं. Electron rich impurity, तो देखो silicon and germanium, silicon and germanium belong to group 14 of the periodic table and have 4 valence electron each. इसमें 4 valence electron है. In their crystal, each atom form 4 covalent bond. यदि 4 है, तो 4 covalent bond will form here with its neighbor. When docked with a group 15 element, like यदि 15 से आप mix करते हो, clear? तो क्या हो जाएगा? Like P, phosphorus और arsenium, to which contain 5 valence electron, they occupy some of the lattice. देख lattice का मतलब होता है regular arrangement of minimum 4 point. Clear? Lattice site in silicon or germanium crystal. तो देखो यहाँ पे figure में कौन सा आता है? ये B, ये N type है. ये क्या है परफेक्ट क्रिस्टल है ये आपका एन टाइप है और ये आपका
p-type. Clear? Now, in case of p-type, here boron is used, and in case of n-type, here arsenium is used. Clear work? Now, 4 out of 5 electron, clear, are used in the formation of 4 covalent bond. 4 out of 5. 5 kiska aata hai? Group 15 ka. Uske baad, the 5 electron is extra and become delocalized. Delocalized ka matlab hota hai, position change hota hai. Delocalized. So these delocalized electron increase the conductivity of doped silicon or germanium. So whenever 5th electron will be extra, so that 5th electron will increases here conductivity of silicon or germanium. Here the increase in conductivity is due to negatively charged electron. Hence, silicon doped with electron rich impurity is known as n-type semiconductor. Clear? Hence, we can say that silicon doped with the help of group 15 is nothing but it is normally known as n-type semiconductor. तो आपको याद रखने का, यदि group 15 को 14 में mix करो, तो क्या हो जाता है? 15 को 14 में mix किया, तो n-type. Clear? अब चलो. Electron deficient impurity. तो silicon और germanium can be doped with group 13. आपको किसको mix करना है? Group 13 को. Clear? Like boron, aluminium, or we can say gallium, which contain only 3 valence electron. Clear? The place where the 4th valence electron is missing is called electron hole or electron vacancy. ये figure C में दिया हुआ है. Clear हुआ? An electron from a neighboring atom can come and fill the electron hole, but in doping so, it would leave an electron hole its original position. Clear? Suppose if it will happen, then it would be appeared as if the electron hole is moved in the direction opposite to that of the electron that filled it. Under the influence of electron field, electron would move toward the positively charged plate through electronic hole, but it would appear as if electron hole are positively charged and are moving towards negatively charged plate. So this type of semiconductor are known as p-type semiconductor. देखो यहाँ सब figure दिया हुआ है, और अच्छी figure आपके book में है, आपको बस याद रखने का. See, insulating material, मतलब कोई भी material है solid state में, its conductivity can be increased. How? With the help of one process, it is normally known as doping. And doping मतलब mixing. And whatever material we are using, it is normally known as dopant. तो ग्रुप 14 में आपको मिक्स करना है. व्हाई ग्रुप 14 इज बेटर? बिकॉज़ कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 इज मैक्सिमम. कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 इज मैक्सिमम एंड दिस विल इंक्लूड बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ये फैसिलिटी बाकी किसी में नहीं है. क्लियर? एंड ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी एट सी, ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर हाईली स्टेबल एट अबव रूम टेंपरेचर, है ना? तो 13 को 14 में मिक्स किया तो क्या आता है? पी टाइप. और 15 को 14 में मिक्स किया तो एन टाइप डायोड विल फॉर्म. अब ये दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग इक्विपमेंट बनाते हैं. क्लियर? नाउ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, वी कैन से दैट डायोड, है ना, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डायोड, नाउ वी विल डिस्कस इन एप्लीकेशन कि कहां तक व्हाई डायोड इज रिक्वायर्ड. Or we can say that if insulator material can be converted into conductor, so what is here commercial use? तो सब हम लोग discuss करेंगे. देख, जितना भी telecommunication industry है, mobile ले लो, radio ले लो, TV ले लो, है ना, ये सब के अंदर जो quality improve हुआ है, तो this is we can say that after invention of this diode. Clear? तो चलो यहाँ पे क्या है, तो various combination of n type and p-type semiconductor are used for making electronic components. इसमें use हो रहा है electronic component. Various combination of n-type, p-type. अब n कैसे बनता है, p कैसे बनता है, मैंने पहले ही बता दिया. Various combination of n-type, p-type semiconductor are used for making electronic component. तो diode, see, diode is a combination of n-type and p-type semiconductor.
and used as a rectifier. Used as a rectifier. Diode is a combination of n-type and p-type semiconductor and used as a rectifier. Now next one, transistor. The transistors are made by sandwiching a layer of one type of semiconductor between two layer of other type of semiconductor. ये आपको पूरा फिजिक्स में आएगा, लास्ट चैप्टर है, क्लियर? तो उसमें NPN आता है, PNP आता है. तो ट्रांजिस्टर आर मेड बाय सैंडविचिंग अ लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू लेयर ऑफ अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. तो जस्ट लाइक वी कैन से दैट NPN और PNP, ये पूरा आपको फिजिक्स में आएगा. नाउ द NPN एंड PNP टाइप ट्रांजिस्टर आर यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल. क्लियर? द सोलर सेल इज एन एफिशियंट फोटोडायोड यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर? द सोलर सेल इज एन एफिशियंट फोटोडायोड यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into electrical energy. So now germanium and silicon are group 14 element and therefore have a characteristics valence of 4 and form 4 bond as in diamond. जैसे diamond में होता है वैसे. So germanium and silicon are group 14 element and therefore have a characteristics valence of 4 and form 4 bond as in diamond. A large variety of solid state material have been prepared by combination of group 13, 15 or 12 and 16 to simulate average valence of 4 as in germanium or silicon. Again I am repeating, a large variety of solid state material have been prepared by combination of group 13 and 15 or 12 and 16 to simulate average valence of 4 as in germanium or silicon. The typical compound of group 13 15 are, देखो 13 और 15 का example क्या है, indium stibine, aluminium phosphide, gallium arsenide. ये 13 15 के example, clear? Now gallium arsenide semiconductor have very fast response and has resonance nice the design of semiconductor device. इसका use किसमें होता है? Semiconductor device में होता है. Clear हुआ? Now ZnS, zinc sulfide, cadmium sulfide, cadmium selenium, mercury tellurium are example of group 12 and 16 compound. यहाँ पे आपको definition, example, importance ये सब आना चाहिए. In this compound, the bond are not perfectly covalent. And the ionic character depends on the electronegativity of two element. Then ionic में तो कैसा होता है? Here means difference of electronegativity should be there. Clear? It is interesting to learn that transition metal. What is meaning of transition metal? To any metal, its valence orbital is d. If your metal is electric with respect to valence orbital d, और उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1, 2, 9, देन दीज आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल. क्लियर? इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न दैट ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड सो मार्क डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. हियर मींस टिटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, रेनियम ऑक्साइड बिहेव लाइक मेटल. तो दिस इज अगेन विल बिहेव लाइक मेटल. Now, rhenium oxide is metallic copper in its conductivity and appearance. Rhenium oxide is like metallic copper in its conductivity and appearance. The certain other oxide, kaun se, like vanadium oxide 1, vanadium dioxide, vanadium trioxide, titanium trioxide, shows metallic or insulating property depending on temperature. Clear? देख आपका material conductor है, insulator है, semiconductor है,
इसमें कुछ हद तक टेम्परेचर विल ऑल्सो प्ले मेजर रोल. यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ऑक्साइड विल इंक्रीजेस. कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ऑक्साइड विल इंक्रीजेस इफ वी कैन से दैट कंडक्टिविटी विल इंक्रीज हियर. क्लियर? ये है जैसे मैंने क्या बोला था, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. तो इसमें हम लोग ने एन टाइप बताया, पी टाइप बताया, उसके यूजेज है, और ये सब आपको एग्जाम्पल आना चाहिए. क्लियर? देख अभी मैंने देख अभी पूरे चैप्टर को मैं ब्रीफ अप करूं तो पूरा चैप्टर देख सॉलिड स्टेट तो हमारा क्या क्या खत्म हो गया और क्या बाकी है. तो देखो सॉलिड है ना, सॉलिड, तो सॉलिड की मैं बात करूं तो सी हियर वी कैन से दैट सॉलिड. तो जैसे ये चैप्टर चालू हुआ था तो नंबर वन पहला क्या आया था, सॉलिडिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिडिटी, इसमें एक वर्ड आया एमोरफस और दूसरा वर्ड आया क्रिस्टलाइन. कि सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, तो यहां पे आता है आयनिक, फिर आता है मेटालिक, फिर आता है कोवेलेंट और फिर आता है मॉलिक्यूलर. क्लियर? मतलब सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिडिटी एमोरफस क्रिस्टलाइन, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग आयनिक मेटालिक कोवेलेंट मॉलिक्यूलर, और तीसरा सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. तो यहां पे आ जाएगा कंडक्टर, दूसरा आया इंसुलेटर और तीसरा आया सेमीकंडक्टर. क्लियर? और अब आपका सॉलिड लास्ट पोर्शन है, तो हियर वी कैन से दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. इसमें भी दो पार्ट है, वन इज पेरा एंड सेकंड वन इज डाया. पेरा मतलब सिंगल, डाया मतलब डबल. पेरा मैग्नेटिक मतलब सिंगल वन और डायमैग्नेटिक मतलब डबल वन. तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सॉलिडिटी आ गया, बॉन्डिंग आ गया, हियर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये सब खत्म हो गया है. नाउ अपना सिर्फ ये बाकी है, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ठीक है?